नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की वापसी की खबरें जैसे जैसे आने लगी हैं, फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। रांची के इस राजकुमार को देखने के लिए करीब 13 महीने से इंतजार कर रहे हैं फैंस बेसब्री से। हम सभी जानते हैं कि द ग्रेट MSD इज कमिंग बैक और 19 सितंबर को जब पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स भिड़ेंगी तो देखना होगा कि कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक साबित होगी। फिलहाल अगर हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी अपनी बिटिया रानी जीवा के साथ हाल ही में सैर करते नजर आए। बाइक पर धोनी जीवा के साथ नजर आए थे, CSK की ट्राउजर उन्होंने पहनी हुई थी और साफ तौर पर खबरें हैं कि रांची के GSCA स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करने गए थे और उसके बाद अपनी बिटिया रानी को भी घुमाते हुए नजर आए। जीवा भी है भी बड़ी क्यूट क्योंकि अपने पापा के साथ घूमने में उनको बड़ा मजा आता है और धोनी के इस वीडियो को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी है। अब महेंद्र सिंह धोनी की वापसी की बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा कि अभी फिलहाल वो IPL पर फोकस कर रहे हैं। खबरों की माने तो रांची के एक लोकल अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल उनका पूरा फोकस IPL पर है, वो अपने करियर के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुझे लगेगा ये 14 मैचेस में कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या फिर भारतीय टीम के लिए मैं आगे बेहतर खेल सकता हूँ तो फिर शायद मैं टीम का पार्ट होऊंगा और मैं टीम को एक बेहतर सिचुएशन में लेकर जा सकता हूं। लेकिन फिलहाल अभी IPL तक का इंतजार कीजिए और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से चुप्पी तोड़ी है ये बात तो तय है कि महेंद्र सिंह धोनी अब वापस आना चाहते हैं या नहीं ये IPL डिसाइड करेगा और IPL के वो 14 मैच जो है वो डिसाइड कर देंगे कि महेंद्र सिंह धोनी का करियर अब कितना लंबा चलना है। बहरहाल थाला की वापसी है, अब बहुत जल्द धोनी जो है वो चेन्नई जाएंगे, उसके बाद वहां से चेन्नई की टीम UAE के लिए रवाना होगी। खिलाड़ी प्रैक्टिस करते नजर आएंगे, बायोसिक्योर एनवायरमेंट में, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि धोनी की वापसी किस तरीके से होती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल ANP न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।